हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको समझाने जा रही हूँ रूपक ताल के बहुविकल्पीय प्रश्न। आइए अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस स्टार्ट करने से पहले आइए मैं रूपक ताल के बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 मात्राएँ होती हैं, 3, 2, 2 के विभाग होते हैं, पहली मात्रा पर खाली और चौथी और छठी मात्रा पर ताली दी जाती हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार इस पर सम होता है और कुछ के अनुसार इस पर खाली होता है, तो इसमें हमारा विद्वानों का मतभेद है। तो आइए अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, रूपक ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? मैंने बताया कितनी मात्राएं होती हैं, हमारी 7 मात्राएं होती हैं, तो इसका आंसर है क, 7। रूपक ताल में कितने विभाग होते हैं? मैंने अभी यहाँ पर समझाया रूपक ताल में 1, 2 और 3 3 विभाग होते हैं, तो इसका आंसर है ग 3। क्वेश्चन नंबर 3, रूपक ताल के दूसरे विभाग में कितनी मात्राएं होती हैं? अभी मैंने यहाँ समझाया था रूपक ताल की विभाग व्यवस्था 3, 2, 2, तो दूसरे विभाग में हमारी 2 मात्राएं होती हैं, तो इसका आंसर है हमारा क 2। क्वेश्चन नंबर 4, रूपक ताल में ताली किस किस मात्रा पर होती है? मैंने अभी विभाग व्यवस्था आपको समझाई थी, उसमें आया था हमारा चौथी और छठी मात्रा पर हमारी ताली दी जाती है, तो इसका आंसर है हमारा चौथी और छठी मात्रा पर, तो आंसर है हमारा घा, चौथी और छठी मात्रा पर। क्वेश्चन नंबर 5, रूपक ताल में खाली किस मात्रा पर होती है? मैंने विभाग व्यवस्था समझाई थी, 3 विभाग, ये ताली और खाली। पहली मात्रा पर हमारा 0 है, इट मीन्स पहली मात्रा पर हमारा खाली होता है, तो रूपक ताल में खाली हमारी पहली मात्रा पर होती है, तो इसका आंसर है हमारा क, पहली मात्रा। क्वेश्चन नंबर 6, ती ती ना धी ना धी ना निम्न बोल किस ताल के हैं? तो ती ती ना धी ना धी ना हमारे रूपक ताल के बोल हैं, तो इसका आंसर है घा, रूपक ताल। क्वेश्चन नंबर 7, ती ती ना धी ना धी ना ती ती, तो ये हम 3-3 में बांधे हुए हैं, तो इस कारण निम्न ताल किस लय में है, ये लय पूछी गई है, तो ये हमारे तिगुन की लय में है, तो इसका आंसर है हमारा, क्योंकि 3-3 में बंधे हुए हैं, तो ये हमारा आंसर है इसका क, तिगुन। क्वेश्चन नंबर 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 निम्न विभाग व्यवस्था किस ताल की है? मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये आपको लर्न करना है, इससे आपके इस ताल के काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो निम्न विभाग व्यवस्था हमारी रूपक ताल की है, तो इसका आंसर है ख, रूपक ताल। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से रूपक ताल की विभाग व्यवस्था कौन सी है? ये मैं आपको अभी बताया था, तो इसमें पहले विभाग में 3 मात्राएं और दूसरे और तीसरे विभाग में 2-2 मात्राएं होती हैं। आइए देखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पहले विभाग में 2 मात्राएं हैं, इसमें ये गलत है। इसमें पहले विभाग में 4 मात्राएं हैं, ये भी गलत है। इसमें पहले विभाग में 3 मात्राएं हैं और दूसरे और तीसरे विभाग में 2-2 मात्राएं हैं, तो हमारा ये सही है, तो इसका आंसर है गा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। क्वेश्चन नंबर 10, रूपक ताल में कितनी ताली और खाली हैं? 1 ताली और 2 खाली, 2 ताली और 2 खाली, 0 ताली और 3 खाली, 2 ताली और 1 खाली, तो ये हमारा ऑप्शन घा सही है, 2 ताली और 1 खाली। ताली होती है हमारी चौथी और छठी मात्रा पर तथा खाली होती है हमारी पहली मात्रा पर, जो मैंने इस विभाग व्यवस्था में आपको समझाया था। क्वेश्चन नंबर 11, रूपक ताल में कितने कितने मात्राओं के कितने विभाग होते हैं? 2-3, 2-3 मात्राओं के 4 विभाग, 2-2, 3 मात्राओं के 3 विभाग, 3-2, 2 मात्राओं के 3 विभाग, 5-2, 3-4 मात्राओं के 4 विभाग, तो इसका आंसर है गा, 3-2, 2 मात्राओं के 3 विभाग। क्वेश्चन नंबर 12, किस ताल में पहली मात्रा पर खाली 0 को लेकर विद्वानों में मतभेद है? ये मैंने पहले भी बताया है कि रूपक ताल में ताली और खाली पहली मात्रा पर होना चाहिए, इसको लेकर मतभेद है। कुछ विद्वान मानते हैं कि पहली मात्रा पर सम अथवा ताली, और कुछ मानते हैं इसमें पहली मात्रा पर खाली होता है, तो इसमें आंसर देखिए क्या है, ख, रूपक ताल इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, ऐसी कौन सी ताल है जिसके सम पर खाली होता है? रूपक ताल, झप ताल, धमार ताल या तिलवाड़ा ताल, इसका आंसर है क, रूपक ताल।
इस प्रकार मैंने आपको समझाए रूपक ताल से रिलेटेड जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।